नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर, तेज रफ्तार रोडवेज की बस कैंटर की टक्कर के बाद पेड़ से टकराए। हादसे में लगभग 38 यात्री घायल, रोडवेज के ड्राइवर की मौत। घायल यात्रियों को भेजा जा रहा है अस्पताल। कई लोगों की हालत बताई जा रही है बेहद नाजुक। दो दर्जन यात्रियों की हालत नाजुक। गंभीर घायलों को किया गया हायर मेडिकल सेंटर रेफर। दिबाई के सामुदायिक अस्पताल में घायलों का हाल जानने पहुंचे डीएम और एसएसपी। घटना स्थल के बाद अस्पताल पर मची हुई है चीख पुकार। नरोरा थाना क्षेत्र के रतनपुर खेड़िया गांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा। बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार की वाइट। कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्या स्थिति है सर? ये हादसा जनपद बुलंदशहर के नरोरा थाने के रतनपुर गांव के बाहर, अभी हम लोग जहां रोड पे खड़े हैं वहीं पे हुई है। और एक हमारी सिकंदराबाद डिपो की बस थी जो दिल्ली से बदायूं जा रही थी, उसमें काफ़ी लोग सवार थे, 38 लोग घायल हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर और डॉक्टर की टीम द्वारा 22 लोगों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हमारी बात अलीगढ़ जिला प्रशासन से हो गई है, वहाँ उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बाकी के 16 लोगों को जिला अस्पताल बुलंदशहर रेफर कर दिया गया है। वहाँ भी सीएमएस से मेरी पर्सनल बात हो गई है, डॉक्टर की टीम मौजूद है, इलाज की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ आप मौके पे देख रहे हैं कि जो बस टकराई है उसको हटाने के लिए जो हमारी एआरएम रोडवेज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम है वो काम कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन दुखद घटना है। जो लोग भी घायल हुए हैं, इंक्लूडिंग एक ड्राइवर की मौत हुई है, उनके बारे में प्रशासन की तरफ से हम लोग अभी उठा रहे हैं। हादसे के बारे में जो यहाँ पे मौजूद थे और अन्य लोगों द्वारा बताया गया कि अपोजिट साइड से एक कैंटर आ रही थी और उसी में इम्बैलेंस होने के कारण जो बस के ड्राइवर थे उसको कैंटर को बचाने के लिए बचाने के प्रयास में बस जो है इसे देर से चला।